उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और अन्य लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और रिडीम कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर लोगों को लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाले शातिर को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मोहम्मद मुजल्लिम शामली जिले का रहने वाला है। एसटीएफ ने उसके पास से 2 स्मार्टफोन भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को साइबर फ्रॉड के जरिए फर्जी खातों में पैसे डलवाने वाले इस गिरोह के सक्रिय सदस्यों के संबंध में काफी समय से सूचनाएं भी मिल रही थी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ भी रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी हो चुकी थी। ऐसे में एसटीएफ साइबर गिरोह की टोम लेने में जुटी हुई थी। तभी टीम के मुखबिर से सूचना मिली कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने जैसी स्कीमों का प्रलोभन देकर फर्जी खातों में इंटरनेट के जरिए पैसे ट्रांसफर कराने वाले गिरोह का एक सदस्य लखनऊ में हुसड़िया चौराहे के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम बिना कोई देर किए हुसड़िया चौराहे पर पहुंची और मोहम्मद मुजल्लिम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मुजल्लिम ने बताया कि वो और उसके साथी लोगों को विभिन्न स्कीमों का प्रलोभन देने के लिए एक मैसेज किया करते थे और उन्हें यकीन भी दिलाते थे। जब कस्टमर को उनके ऊपर पूरा भरोसा हो जाता था तो फर्जी बैंकों से पैसे ट्रांसफर करा लेते थे। इसके बाद कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सिम कार्डों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे।